तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं नई महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में तो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसकी रिलीज डेट कब होगी इसकी प्राइसिंग कितनी होगी और इसमें आपको क्या सारी चीजें मिलेंगे फटाफट से इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा सबसे पहले आप डिजाइन वाइज देख ही सकते हो यह आपको मिलता है इसका फ्रंट प्रोफाइल इतना ही मैं कहना चाहूंगा फ्रंट इसका टेन ऑन टेन है डिजाइन के हिसाब से काफी अच्छी डिजाइन है एंड uh, इसका महिंद्रा का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है अल्टोरस जी फोर उसी से इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज्यादा इंस्पायर्ड सा लगता है अगर आप इसके ग्रिल्स वगैरह देखेंगे हेडलाइट्स देखेंगे तो काफी हद तक ये अल्टोरस जी फोर जैसी लगती है अभी वाले स्कॉर्पियो से मुझे इसका डिजाइन काफी ज्यादा सही लगा इनफैक्ट मैं बताऊं तो सेगमेंट में जो गाड़ियां है जैसे कि सफारी और एक्सवी सेवन उससे भी मुझे इसका डिजाइन ज्यादा बढ़िया लगा काफी बल्की भी लगती है काफी बड़ी भी लगती है और एक प्रॉपर फुल साइज एससीवी वाला जो डिजाइन है वो आपको इसके फ्रम प्रोफाइल में मिलता है बाकी साइड प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो साइड से भी काफी बड़ी लगती है अभी वाले स्कॉर्पियो जितना ही आपको लेंथ इसके अंदर देखने को मिलेगा लेकिन जो व्हील बेस है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड किया गया है जिसकी वजह से अंदर आपको ज्यादा लेग रूम एज वेल एज नी रूम लेगा बूट स्पेस भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली दोस्तों ये सेवन सीटर होने वाली है एलोइ आपको मिलेंगे 17 इंचज के अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो बाकी पूरे गाड़ी में आपको बॉडी क्लैडिंग जो है वो भी ऑफर की जाएगी डोर हैंडल्स आपको एक्सीवी 700 वाले नहीं मिलेंगे नॉर्मल जो डोर हैंडल्स है वैसे ही आपको मिलेंगे जो कि मुझे काफी प्रैक्टिकल भी लगते हैं अगर आप ग्लास एरिया भी देखते हो तो काफी अच्छा खासा ग्लास एरिया आपको मिलेगा अंदर एरी फीलिंग भी मिलेगी और रूफ में अगर आप देखेंगे तो आपको सन मिलता है ये स्काई रूफ तो नहीं है नॉर्मल सन है इलेक्ट्रिक वाला होगा जो कि है, जो कि आपको इसके टॉप मॉडल में मिल जाएगा बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ

तो ये था दोस्तों इसका कंप्लीट एक्सटीरियर इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इंटीरियर के बारे में तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये मिलता है आपको इसका डैशबोर्ड का डिजाइन तो डैशबोर्ड का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सही लगा काफी एक मॉडर्न एस वाला जो डिजाइन है वो आपको मिलता है अभी वाली जो स्कॉर्पियो है उससे कई गुना बढ़िया जो डिजाइन है वो आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा बाकी डिजाइन के साथ आपको ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश वगैरह है उसमें भी काफी ज्यादा सुधार किया जाएगा तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजाइन वाइज इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जाएगी बाकी आप बीच में देख सकते हो नाइन इंचेस का जो इन्फोटेमेंट सिस्टम है वो आपको मिलता है जिसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार्प्ले का जो ऑप्शन है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो उसके अंदर आपको एलेक्सा का सपोर्ट और कनेक्टेड कार्ड जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेफिनेटली मिलेगी Uh, जो स्पीडोमीटर होगा वो टास से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होगा बिकॉज इसके अंदर आपको एनोलॉग एज वेल एज डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके स्पीडोमीटर में देखने को मिलेगा और काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलेंगे जैसे कि सबसे पहले आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो भी मिलेगा एडास का जो फीचर है वो भी आ सकता है इस गाड़ी के अंदर और नॉर्मल फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक सन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओ ऑटो डिमिंग आई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऐसे ही काफी सारे जो फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाएंगे बाकी दोस्तों अंदर जो कम्फर्ट वगैरह होगा वो आपको एक्स्यूवी सेवन हंड्रेड जैसे ही देखने को मिल सकता है लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको थोड़ी सी ऊंची सीटिंग मिलेगी एक प्रॉपर एससी वाला फील देने के लिए बिकॉज स्कॉर्पियो अपने एसयूवी के कैरेक्टर के लिए जानी जाती थी और स्कॉर्पियो की रगेटनेस वाली फीलिंग देने के लिए इस गाड़ी के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली मिलेगा साथ में इस कार में आपको लैडर फ्रेम चे विद बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म जो है वो भी ऑफर किया जाएगा

तो आप XUV700 ले सकते हो नहीं तो इस गाड़ी का जो इंतजार है वो डेफिनेटली कर सकते हो और इन दोनों इंजिन के साथ आपको सिक्स स्पीड का जो ट्रांसमिशन है वो मिलता है ट्रांसमिशन के अंदर आपको ऑटोमेटिक एज वेल एज जो मैनुअल का ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा और बॉक्स आपको वही सेम मिलेगा जो कि अभी एक्सीबी सेवन हंड्रेड के अंदर चल रहा है इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सेफ्टी के बारे में तो इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा बिकॉज आपको पुरानी स्कॉर्पियो पता है कि सेफ्टी के हिसाब से काफी काफी पीछे थी ग्लोबल में इसको कम रेटिंग मिले थे बिकॉज इसका जो ए पिलर वगैरह था वो उतना मजबूत नहीं था लेकिन इन सारी चीजों को इम्प्रूव किया जाएगा इस नई स्कॉर्पियो के साथ सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह होगी उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा सिक्स एयरबैग्स का आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल ई हिल ओल्ड ये सारी जो फीचर्स है वो आपको डेफिनेटली सेफ्टी के हिसाब से मिलेंगे एडास का फीचर भी आ सकता है ऐसे मुझे कुछ वेबसाइट के अंदर देखने को मिला था तो सेफ्टी के हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाले हैं तो अंत में चले बात कर लेते इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में तो इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो शुरू होती है ट्वेल्व पॉइंट से लेकर नाइनटीन पॉइंट तक तो ये दोस्तों एक्स शोरूम एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है जो कि मुझे कुछ वेबसाइट्स के अंदर देखने को मिला था और इतनी कीमत में अगर ये गाड़ी आती है तो काफी वैल्यू फॉर मनी जो ऑप्शन है वो आपके लिए रहेगा डेफिनेटली अभी अंत में अगर मैं बात करूँ इसके रिलीज डेट के बारे में तो इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है वो है ट्वेंटी ऑफ अगस्त बिकॉज महिंद्रा अपनी जो भी नई गाड़ी होती है वो अगस्त के महीने में लॉन्च करती है तो इस गाड़ी की भी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो भी 2022 ट्वेंटी टू ऑफ ऑगस्ट में आपने में देखने को मिल सकती है तो इस कार के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इसके और भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे और अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की रिगार्डिंग मिलती है तो जरूर से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो इसी के साथ चले इस वीडियो का ये पर खत्म करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने का मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसी के साथ चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर